भारत में आज 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 10 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं और 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं। तो इतनी सारी गोलियां, ये सारा पैसा देश का बाहर जा रहा है। 7 दिनों में शुगर, बीपी और थायराइड, इन पर आप असर पहुंचा सकते हो, दवाई कम कर सकते हो, दवाई छोड़ भी सकते हो। बस आपको आज के बाद ये काम करना है, जिसको भी आप खाना बोलते हो, इस दाल, इस सब्जी, ये चावल, ये रोटी, जिसको भी आप खाना बोलते हो, ये मक्खन जो भी आप खाते हो खाने में, इसको आज के बाद आपने प्लेट 2 मोल देना है, मतलब प्लेट 2 मान लेना है। यानी कि अगर जो खाना है इसको आपने मानना है प्लेट 2। तो अगर आपने ये सिस्टम अपनाया और प्लेट 1 क्या है वो इम्पोर्टेंट कर लिया, तो प्लेट 1 क्या है वो बताता हूँ आपको। जैसे प्लेट 1 में मान लेते हैं हमने एक ये संतरा ले लिया, एक सेब ले लिया, अमरूद ले लिया, या पाइनएप्पल को यूज़ कर लिया, पपीता कर लिया। तो इन सबको अपना वजन के हिसाब से अगर आपने खाना खाया, तो इसको अगर आपने प्लेट 1 बना दिया, ये प्लेट 1 बना दोगे आप, तो आपको शुगर, बीपी, थायराइड में आराम मिल जाएगा। 12 बजे तक आपका वजन गुणा 10, जैसे मेरा वजन अगर 70 किलो है या तो 700 ग्राम, अगर 60 है तो 600 ग्राम मुझे फ्रूट्स की प्लेट, 4 से 5 तरह के फ्रूट, इसको यूज करके मुझे ये प्लेट 1 बना देनी है। तो 12 बजे तक मुझे ये करना है। उसके बाद दिन भर में क्या करना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो शुगर, बीपी, थायराइड रिवर्स होगा। उससे पहले मैं आपको एक दो पेशेंट से मिलवा देता हूँ, आपको आइडिया भी लग जाएगा। डॉक्टर नितेश्वरी मेरे साथ हैं, आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ थी बताओ जरा एक बार। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं हरियाणा सिरसा से रहने वाला हूँ। मेरे को पिछले 6 साल से बीपी की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। मैंने एलोपैथी में तकरीबन हर जगह इलाज करवाया है और एलोपैथी से वजह से दोनों किडनी डैमेज हो गए। अब तो ये कंडीशन हो गई थी कि मैं कुछ खा पी कुछ भी नहीं सकता था और वॉमिटिंग लगी रहती, मतलब कुछ भी खाते थे तो क्या होता था, वॉमिटिंग हो जाती, उल्टियाँ आ जाती थी आपको, ठीक है। और यहाँ अभी आपको हमारे हिम्स हॉस्पिटल आए हुए 5 दिन हुए मेरे को, और 5 दिन के अंदर मेरे को 50% आराम है इस चीज़ के अंदर। मैं जो भी खाता हूँ आराम से पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ना उसके बाद वॉमिटिंग नहीं हुई है। मतलब आपको लग रहा है कि आप यहाँ ठीक हो रहे हो? हाँ जी। जो दोनों किडनी फेल है उसके लिए डॉक्टर ने क्या बोला आपको, बड़े हॉस्पिटल ने क्या बोला? ट्रांसप्लांट बोला। हाँ जी। और डायलिसिस भी बोला होगा पहले? डायलिसिस भी बोला है। कितना खर्चा बताया आपको? मेरे को बताया था एस्टिमेट 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख रुपए। तो फिर आप इधर अनाड़ियों के पास क्या करने आ गए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में क्या करने आ गए? जो तो एलोपैथी इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े इलाज, वहां पे 10-15 लाख रुपए इलाज देते तो आपकी नई बॉडी बन जाती, और आप यहाँ आ गए हमारी एक घास फूस और फ्रूट खाने और नंगे पांव घास पे खड़े होने। सर ऐसा है ना कि वो 10-15 लाख में दे चुका हूँ, उससे ज्यादा दे चुका हूँ मैं। अच्छा, उससे खर्च कर चुके उतने आप? उससे तो बहुत ज्यादा खर्च कर चुका हूँ। और फायदा क्या मिला? जीरो। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, और किडनी फेल में वो ये बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट ही इलाज है। आप यहाँ ऐसे कितने लोगों से मिल चुके हो जिनका डायलिसिस कम हुआ है या बंद हुआ है और फायदा हुआ है? मैं तो सर यहाँ तकरीबन जितने भी पेशेंट मेरे आई साइड में मिलते हैं, उन सबसे पूछता हूँ, तो सबको मेरे को सबको फायदा हुआ है। मेरे पड़ोस में भी है एक, जहाँ से ठीक होके गया है, उसी ने मेरे को ये सजेशन दिया था कि यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, सबसे बेस्ट इलाज है और 100% गारंटी है। अच्छा, भी आप ठीक होके आओगे, तो आपको भरोसा है? बहुत ज्यादा। तो देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? सर ऐसा है कि एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद अपनाओ। अब ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पेशेंट बोल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी मैं आपको इसके बाद जो हमने पहले प्लेट वन की बात करी कि नाश्ते में 12 बजे तक ये हमारी प्लेट वन रहेगी, 4 से 5 तरह के फ्रूट्स। तो शुगर, बीपी, थायराइड या कोई भी बड़ी बीमारी होगी तो आपको डाइट इस तरह से यूज करनी है, 4 से 5 तरह के फ्रूट 12 बजे तक। उसके बाद दिन में आपको दोपहर को और शाम को अपना वजन गुणा 5, जैसे सुबह आपने वजन गुणा 10 किया था ना, यानी कि 60 किलो तो 600 ग्राम, 50 है तो 500 ग्राम, ऐसे वजन गुणा 5, जैसे ये खीरा ले लिया मैंने, ये गाजर, ये मूली ले ली मैंने, इसके अलावा चुकंदर हो जाएगी, शिमला मिर्च हो सकती है, कोई भी लाल हरी कोई भी ले सकते हैं हम, या हम ये वाली गोभी ब्रोकली ले सकते हैं, या हम आपकी फूल गोभी भी ले सकते हैं। तो ये सारी आपकी बन जाएगी प्लेट 1।
यानी कि जो प्लेट वन यहां पे थी आपकी फ्रूट्स की, अब दोपहर का खाना जो आपने खाना है, रोटी चावल या जो भी खाना है वो भी बताता हूं उसका क्या करना है। उससे पहले ये आपकी प्लेट वन बन जाएगी, चार पांच से पांच तरह के फ्रूट्स, कैबेज, ये मूली, गाजर, ये आपकी प्लेट वन बन जाएगी, वजन गुणा पांच। आप इस डाइट को डीआईपी डाइट भी बोलते हो, इतने सालों से आप देखते हो। इसी डीआईपी डाइट के बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का वीडियो भी है हमारे पास, जो उन्होंने अपने आप को ठीक किया था, और भारत में डॉक्टर बी आर सिंह ने, जो इसी हॉस्पिटल में हमारे साथ हैं, उन्होंने इस डाइट को पॉपुलर किया था, और आज पूरे देश के बहुत सारे लोग इस डीआईपी डाइट की वजह से अपनी शुगर और बीपी को रिवर्स करते हैं। तो जब भी आपने प्लेट वन खाई पहले पेट भर के, उसके बाद आपने ये प्लेट टू लेनी है। अब आपने प्लेट टू में क्या ध्यान रखना है, दाल ठीक है, सब्जी ठीक है, जब भी कभी रोटी खाओ तो चावल मत खाना, अगर चावल खाओ तो रोटी मत खाना, मतलब एक चीज खानी है, या तो रोटी खानी है या चावल खाना है, अनाज एक टाइम पे एक खाना है। अगर रोटी चावल छोड़ सकते हो, उसकी जगह पे मिलेट्स अपना सकते हो तो और ज्यादा फायदा होगा। ये लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड है, फॉक्सटेल है, ये ब्राउन टॉप है, और ये कोडो है। तो ये मिलेट अगर आप खाते हो, मिलेट की रोटी या मिलेट ही बना के खा लेते हो चावल की तरह, तो और जल्दी किडनी फेल को भी आप रिवर्स कर सकते हो। यानी कि डाइट ही सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेम ऐसा ही आपने शाम के खाने में करना है, पहले आपने प्लेट वन खानी है, देन प्लेट टू खानी है। और परहेज क्या करना है, परहेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने दिन आप ये डाइट अपना रहे हो, शुगर, बीपी, थायराइड या बड़ी बीमारी को रिवर्स करना चाह रहे हो, उतने दिन तक कोई भी जानवर से प्राप्त पदार्थ आपको नहीं लेना, यानी कि दूध, दही, मलाई, घी, पनीर, ये सब भी छोड़ना है। जो भी चीज जानवर से आ रही है वो नहीं लेनी, और वो जो भी चीज फैक्ट्री से आ रही है वो भी आपने नहीं लेनी। इसके बाद बीपी के लिए मैं एक स्पेशल आपको ड्रिंक बताता हूं, उससे पहले एक पेशेंट से और मिलते हैं, और मैं चाहूंगा एक बार ये पूरा पीछे का व्यू भी दिखा दो हमारा। ये पूरा हमारा हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में है, और अभी हमारा ऐसा ही हिम्स लखनऊ में शुरू हो चुका है, ये पीछे पोस्टर दिखा देना इनको इधर, और एक ऐसा ही दिल्ली एनसीआर में मेरठ में हमने 1000 बेड का एक नया हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसका उद्घाटन हम परसों शुरू कर रहे हैं इसको, इसकी भी वीडियो दिखा देना जो दिल्ली एनसीआर मेरठ वाले की। तो मैं एक पेशेंट से और मिलवाता हूँ आपको, आप बताओ आप कहाँ से आप आए हो और आपको क्या प्रॉब्लम थी और क्या फायदा हुआ? जी मेरा नाम सौरभ है, मैं हरिद्वार से आया हूँ, और मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी। मेरा क्रिएटिन जब मैं यहाँ पे आया था 11 था, यहाँ पे आने के बाद आज मेरा क्रिएटिन 6.6 है, मतलब 11 से 6.5 हो गया 8 दिन में जी। ठीक है, तो ये तो मिरेकल नहीं है, चमत्कार नहीं लगता? हाँ बिल्कुल है। क्या कहते हैं, मेरा बीपी जो है अधिकतर मेरा बीपी 280-300 हो जाता था, 280-300 जाता था मेरा। ओके, तो डॉक्टर बोलते नहीं थे? नहीं, डॉक्टर ने तो क्या कहते हैं, मुझे किसी ने बताया था चंडीगढ़ आ जाओ आप, तो मैंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल में दिखाया था अपने आप को, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख के मुझे कहा था आपकी डायलिसिस होगी, तो फिर मेरे को यहाँ के बारे में पता था क्योंकि मैं फेसबुक पे वीडियो देखता था। मैंने यहाँ पे आके फिर अपने आप को दिखाया, और यहाँ पे मुझे कहा गया कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। क्या डायलिसिस हुआ आपका यहाँ पे? नहीं, मेरा कोई डायलिसिस नहीं हुआ। आप पहले बीपी के टाइम पे कितनी बीपी की कितनी गोलियाँ खाते थे आप? मैं रोज क्या कहते हैं 2-3 गोलियाँ रोज खाता था जी। और अभी अभी बीपी आपका पहले से बेटर है? हाँ जी, इस टाइम मेरा बीपी 140-150 बिना दवाई खाए। हाँ जी। और इसके अलावा और क्या फायदा हुआ आपको यहाँ पे आके? मैं कोई गोली नहीं खा रहा हूँ अब। मेरे पैर में सूजन रहती थी, मेरे पैर में सूजन भी नहीं है। थकावट मुझे होती थी, मेरे मुझे बिल्कुल थकावट नहीं है, बिल्कुल सुबह अब जब उठता हूँ फ्रेश उठता हूँ एकदम, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप इस हॉस्पिटल में कितने दिन से हैं? मुझे आज 6ठा दिन है। और कहाँ से आप आए हो? मैं हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से आए हो आप? ओके, तो आपको देश के पूरे लोग देख रहे हैं, तो जितने भी लोगों की किडनी फेल है उनको क्या करना चाहिए? सबको उनको बड़े बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अरबों रुपए के बने हुए हैं, सरकार भी रोज उद्घाटन करने लगी हुई है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए लोगों को? डॉक्टर सिर्फ डरा देते हैं और कुछ नहीं होता है। हम जाएंगे, मैं भी जब शुरू में हॉस्पिटल में गया था मुझे भी बहुत डरा दिया था कि आपका ट्रांसप्लांट होगा, आप सिर्फ 5 साल जिंदा रहोगे। तो डॉक्टर को तो लोग भगवान कहते हैं, तो भगवान तो डराने का काम नहीं करता। मुझे आज के आप जब से मैं आया हूँ उस दिन से कसम खा ली है मैंने, तब से मेरे से किसको लगभग 250-300 लोगों से मेरी बात हो गई है फोन पे। मैं सबको ये बताता हूँ, मैंने कहा जब भी आपको कोई दिक्कत होती है आप यहाँ पे आगे इलाज करिए, अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं आप तो आप हर शहर में धीरे धीरे करके हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अगर वहाँ भी नहीं जा सकते आप तो यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप उनसे पूछिए, ऑनलाइन हमें मदद मिलती है। क्योंकि मैं सिर्फ सबसे पहले जुड़ा था तो मैंने पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी अपनी, उस पर पहले मैंने आप खुश हो अब? जी बहुत खुश हूँ मैं।
ठीक है जी, थैंक यू। नंबर का बता दो। तो अभी मैं एक मिनट आपको बता दूं कि अगर किसी को बीपी की गोली चल रही है तो ये जितनी भी मेरे सामने ये पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, तुलसी, ये नीम और ये सब पड़ा है, इसको चॉप करके या तो इसकी चटनी बना के रोज की 4 चम्मच चटनी, नहीं तो इनका आंवला और पान का पत्ता डाल के, पालक डाल के, चुकंदर डाल के, इस तरह का एक ग्रीन जूस, या तो आप अगर वजन आपका 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम ये खाना होगा, अगर नहीं तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम ये खाना होगा, नहीं तो एक गिलास इतना भर के इन चीजों का जूस पियोगे तो बीपी की गोली भी 5 से 10 दिन में छूट जाती है। जितनी मर्जी पुरानी हो, बीपी धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। शर्त क्या है कि बस आपको सूरज डूबने के बाद, ये जो सूरज देवता पीछे नजर आ रहे हैं हमें आशीर्वाद देते हुए, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना होता, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डाइट है, ये जो पैटर्न है, ये जो खाने पीने का सिस्टम है, ये बहुत जरूरी है। अगर पूरा भारत इसको सुधार दे तो सिर्फ 7 दिन में हम देश का 1000 करोड़ बचा सकते हैं, जैसे कि हम इन हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग देकर लोगों का बचाने की कोशिश करते हैं। भारत में आज 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 10 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं और 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं। तो इतनी सारी गोलियां, ये सारा पैसा देश का बाहर जा रहा है। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर नितेश्वरी से, डॉक्टर नितेश्वरी आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताना चाहोगे इस डाइट के बारे में? नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश्वरी, इस डाइट के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे आयुर्वेद के हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमें जो है युक्त आहार विहार का सेवन करना चाहिए, तो ये वही युक्त आहार विहार है जिनके कारण जो है हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जिनका सेवन ना करने की वजह से। तो प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल को अपना के जो है वो हम अपने सारी बीमारियों से, स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जो है वो निजात पा सकते हैं, जैसे किडनी किडनी की दिक्कत, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं और ये हमारे खान पान की वजह से होता है। तो इन डाइट को अपना के जो है वो हमारी बॉडी जो है वो स्वस्थ बन सकती है और स्वस्थ और प्रसन्न काया में ही जो है वो हमारा स्वास्थ्य का जो है वो प्रयोजन सिद्ध होता है। जी, मैं आप सबको एक बात और बोलना चाहूंगा, ये जितने भी लोग बैठे हैं, जब मैं इनसे एक सवाल करता हूं, क्या आपने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो लगभग सिर्फ एक बार मैं आपके सामने पूछ लेता हूं कैमरे पे ही, आप में से कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है? तो आपके सामने ये हाल है, सिर्फ इतने सारे लोगों में 6 हाथ उठे हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भारत में अवेयरनेस नहीं है। लोग हेल्थ इंश्योरेंस, 2 हाथ 3 हाथ इधर भी हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस नहीं है। तो इनको भी बता रहा हूं मैं, आपको भी बता रहा हूं, आज की डेट में भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का बीमा आयोग है, उसने आयुर्वेद को भी पॉलिसी में मंजूरी दे दी है। तो जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो आयुर्वेद का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, जिसको बोलते हैं आयुष कवर वाला, 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे ना तो वो हमारे हॉस्पिटल में भी चलता है, आयुर्वेद में भी चलता है और एलोपैथी में भी चलता है। और एक पॉलिसी आती है आरोग्य संजीवनी, दीपक साइड कर दो इसको, आरोग्य संजीवनी, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी अगर आप लेते हो तो 3 से 5 हजार रुपये लगते हैं सिर्फ, और 3 से 5 लाख तक का इंश्योरेंस आयुर्वेद में आपको फ्री मिलता है। ये आपको हिम्स का हम नंबर दे रहे हैं और ये जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, ये पूरे हॉस्पिटल्स हमारे जो आईपीडी हॉस्पिटल हैं जहाँ भर्ती होने की सुविधा है, और ये वाले जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे हमें डे केयर की सुविधा है। इसके अलावा पूरे भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं। अगर आप हमारे हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते हो तो जिन शहरों में अभी आपके लोग रहते हैं उनको बोलो आपके शहरों में क्लिनिक्स हैं, वहाँ जाके डॉक्टर से मिलो, सलाह करो, डाइट चार्ट पूछो, खाने पीने का तरीका पूछो और अपनी पूरी बॉडी को, ये जो हमारी पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी को सेट रखो और रोज का नियम बना लो कि नारियल के कम से कम इतने से 2 या 3 टुकड़े ये रोज अपनी डाइट में शामिल करो, ये 2 से 3 टुकड़े नारियल की गरी के अपनी डाइट में शामिल करो, और दूध भी पीना है तो नारियल का दूध पीना शुरू करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं हिम्स की टीम की तरफ से डॉक्टर नितेश्वरी, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव को और इन सब हमारे जो एडमिट पेशेंट्स हैं या मिलने आए हैं, इन सब की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्वगुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट,
और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।